नमस्कार, मैं उप्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चलिए जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिया जलाने की अपील को सोशल मीडिया का मिला समर्थन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह एक बार फिर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए लाइव आकर कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए चिंता जाहिर की थी, साथ ही लोगों से नियमों का पालन करने को भी कहा था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से आने वाले रविवार को सभी आम नागरिकों से दिया जलाने की अपील की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि रविवार यानी कि 5 अप्रैल को 9 मिनट तक सभी लोग अपने घरों की बिजली को बंद करके अपने बालकनी या दरवाजे से बाहर निकलकर दिया जलाएं और दुनिया को एकता का प्रमाण दे। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील पर लोगों का समर्थन मिलना शुरू हो गया है। साथ ही सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम की खूब सारी सराहना हो रही है। वहीं रेल मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को रीट्वीट करते हुए लोगों से रविवार के दिन आदेशानुसार करने को कहा है। ज्ञात हो वर्तमान समय में कोरोना सभी की परेशानी का सबब बना हुआ है। वहीं भारत में अब तक 2000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। 9 दिनों के बंद में प्रोडक्शन रहा शून्य, फिर भी प्रवासी कामगारों के लिए उठाए जा रहे हैं यह कदम। देशभर में जारी कोरोना के बढ़ते असर से कामगारों, खासकर प्रवासी कामगारों को उनके घर जाने की अनुमति दे दी गई थी, क्योंकि बंद की वजह से सभी कंपनियां, साथ ही साथ सभी फैक्ट्रियों में काम बिल्कुल बंद है। वहीं अभी इस बात का भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि कामकाज फिर से शुरू कब होगा, और यही वजह है कि अधिकतर कंपनियों ने अपने कामगारों को मुक्त करने का फैसला किया था। हालांकि कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो समय में कामगारों को वापस नहीं निकाल रही है, बल्कि उनकी सहायता कर रही है और सब कुछ ठीक होने का इंतजार कर रही है। खबरों की माने तो ऐसी कंपनियों हैं जो लगभग 17,500 प्रवासी मजदूरों को रोज खाना पीना और महीने की सैलरी दे रही है। वहीं 9 दिनों से बंद की वजह से प्रोडक्शन शून्य पर रहा है। अमेरिकी नेता निकी हेली ने चीन के कोरोना संबंधी आंकड़े को गलत ठहराया। अमेरिकी नेता निकी हेली ने हाल ही में चीन द्वारा जारी किए गए कोरोना संबंधी आंकड़े को गलत ठहराया है। निकी हेली का कहना है कि 1.3 अरब वाले देश में कोरोना सिर्फ 82,000 लोग संक्रमित हुए हैं और यह तथ्य विश्वसनीय नहीं है। सिर्फ निकी हेली नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हाल ही में चाइना द्वारा जारी किए गए आंकड़े को गलत बताया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी यह कहा है कि चाइना घनी आबादी वाला देश है। इतना ही नहीं, कोरोना का निजात ही चाइना से हुआ है। ऐसे में सिर्फ 82,000 लोगों का चाइना में प्रभावित होने का दावा गलत है। ज्ञात हो पूरी दुनिया के लिए परेशानी का सबब बना हुआ कोरोना सबसे पहले चीन के वुहान शहर में पाया गया था, जिसके बाद ही धीरे धीरे करके कोरोना ने अपनी चपेट में अन्य देशों को भी ले लिया। इतना ही नहीं, कई अहम जिंदगियां भी चली गई हैं। इसके साथ ही अगर अमेरिका में कोरोना की स्थिति की बात करें, अब तक कोरोना से वहां 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं। राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार ने जारी की खुशखबरी। नए और पुराने राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है, जिसके तहत बीपीएल राशन कार्ड के जरिए अब सभी आम नागरिक राशन को कम दामों में आसानी से पा सकेंगे। इतना ही नहीं, इस राशन कार्ड के जरिए लोग गेहूं, चावल, चीनी जैसी वस्तुएं लगभग आधे से कम दाम में भी खरीद सकेंगे। खबरों की माने तो केंद्र सरकार ने जन वितरण प्रणाली की नई व्यवस्था वन पेंशन वन कार्ड योजना से लाभार्थियों के पास पुराना राशन कार्ड है जो उन्हें नए राशन कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि पुराने राशन कार्ड से ही सामान आसानी से मिल जाएगा। हालांकि कुछ दिनों पहले यह भी सुनने में आया था कि नई योजना में नया राशन कार्ड बनेगा, लेकिन सरकार ने इन सभी बातों को साफ करते हुए यह कह दिया कि पुराने राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत दी है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर बिहार में बढ़ेगा तापमान। दिल्ली NCR के मौसम में आने वाले समय में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है, क्योंकि सर्दी के बाद पश्चिम विक्षोभ का असर अब लगभग समाप्त होने वाला है। ऐसे में गर्मी में तेजी से इजाफा होगा और तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं मौसम विभाग की माने तो पहाड़ी राज्यों में हो रही बारिश और बर्फबारी के चलते दिल्ली NCR में गर्मी का असर थोड़ा धीरे धीरे देखने को मिलेगा, लेकिन यह माना जा रहा है कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह में दिल्ली NCR का अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक पहुंच जाएगा। वहीं इस साल ठंड के बाद बारिश का असर भी देखने को मिला था, जिसने किसानों को काफी ज्यादा परेशान किया था। कोरोना के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देगा चीन। कोरोना के मुकाबले के लिए चीन ने हाल ही में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देने का ऐलान किया है, जिसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की सराहना की है, जिसके तहत उन्होंने चीन का एक सकारात्मक कदम ठहराया है। विदेशों के शिपिंग के माध्यम से चीन कोरोना के खिलाफ वैश्विक नेतृत्व की भूमिका भी बखूबी निभा रहा है। चीन या अन्य कोई देश अगर अपने पास से दूसरे देशों को आने के लिए अतिरिक्त सहायता व चिकित्सा आपूर्ति करते हैं तो मुझे इससे बेहद प्रसन्नता होगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, उक्त बातें कोरोना टास्क फोर्स ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह जानकारी दी है। 14 अप्रैल के बाद घरेलू फ्लाइट की टिकट कर सकते हैं। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले 21 दिनों के लिए भारत को पूरी तरीके से बंद करने का ऐलान जारी किया था। वहीं 15 तारीख से सारी चीजें सामान्य तरीके से शुरू होने की संभावनाएं जताई जा रही है। वहीं 14 अप्रैल के बाद से घरेलू फ्लाइट की टिकट और साथ ही साथ रेल टिकट को भी बुक करवाने की पहल तेज की जा रही है, जिसकी जानकारी विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दी है, जिसके तहत उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान 14 अप्रैल के बाद चालू हो जाएगी। वहीं भारत में अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों को भी अपने नागरिकों को यहां वापस भेजने के लिए विशेष उड़ानों की अनुमति प्रदान कर दी है। किसानों के लिए सरकार ने जारी की नई एडवाइजरी। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नई एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसके तहत कृषि मंत्री ने रजिस्टर्ड किसानों के पास एक मैसेज किया है। इसमें कहा गया कि खेतों में हार्वेस्टिंग, मराई और बुआई की स्थिति में 5 व्यक्तियों से ज्यादा के जमा होने की अनुमति नहीं दी गई है। जानकारों की माने तो इससे किसानों की परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि किसी भी खेत में हार्वेस्टिंग के लिए कई सारे लोगों की जरूरत
पड़ती। हालांकि सरकार का यह फैसला किसानों के हित और सुरक्षा के लिए ही है, ताकि किसान कोरोना की स्थिति से बच सके और उनका काम भी आसानी से हो जाए। इतना ही नहीं, सरकार ने किसानों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए हाथों को समय समय पर साबुन या सैनिटाइजर से साफ करने की अपील की है। वहीं सरकार ने वैसे तो पूरी तरीके से बंद का ऐलान कर रखा था, मगर किसानों की समस्याओं को समझते हुए सरकार ने किसानों को हार्वेस्टिंग का आदेश जारी किया था, क्योंकि रबी फसलों की बुआई करने वाले किसान की फसल पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। रामायण की वापसी से दूरदर्शन को मिली शानदार टीआरपी रेटिंग। देश भर में कोरोना के बढ़ते असर को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले 21 दिनों के बंद का ऐलान किया था। वहीं बंद के दौरान सरकार द्वारा एक बार फिर से रामायण सीरियल की शुरुआत की गई थी, जिसने अब आम नागरिकों की दिनचर्या में अलग ही जगह बना ली है। वहीं दूरदर्शन चैनल ने खुद भी इस सीरियल के माध्यम से खूब सारी टीआरपी बटोरी है, जिसकी जानकारी प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर ने ट्वीट करके दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि साल 2015 के बाद अब जाकर के दूरदर्शन को इतनी ज्यादा रेटिंग मिली है। यकीनन दूरदर्शन को इतनी ज्यादा रेटिंग रामायण सीरियल से ही मिली है। वहीं बंद के दौरान शुरू की गई इन सीरियल्स ने लोगों के मनोरंजन का शोध बढ़ा दिया है। गूगल कोरोना के इस माहौल में डूडल के जरिए दे रहा है लोगों को खास संदेश। कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए गूगल ने भी अब डूडल के जरिए लोगों को मदद करने की पहल तेज की है, जिसके तहत गूगल ने एक खास डूडल तैयार किया है, जो कि देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक अहम संदेश दे रहा है। जिसके तहत गूगल ने लोगों से उनके घरों में रहने की अपील की है। साथ ही यह भी कहा है कि जब तक आप घर में हैं, तब तक आप कोरोना से सुरक्षित हैं। इतना ही नहीं, गूगल अपने डूडल के जरिए लोगों से अपनों के साथ समय बिताने, साथ ही घर के सारे काम करने के संकेत दे रहा है, जो अक्सर लोग अपने व्यस्त दिनचर्या के कारण नहीं कर पाते थे। ज्ञात हो, कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए सरकार ने बीते दिन पूरे तरीके से भारत को बंद करने का ऐलान किया था, जिसके बाद से लोग पूर्ण रूप से अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हो गए थे। टोनी लुइस ने दुनिया को कहा अलविदा। जब भी क्रिकेट में डकवर्थ लुइस के नियमों का पालन किया जाएगा, तब टोनी लुइस का नाम लिया जाएगा। डकवर्थ लुइस का नियम देने वाले टोनी ने दुनिया को अलविदा कह दिया है, जिसकी जानकारी आईसीसी ने अपने आधिकारिक वेबसाइट से दी है। इतना ही नहीं, आईसीसी ने टोनी को दुनिया के अलविदा कहने पर संवेदना भी व्यक्त की है, जिसके तहत आईसीसी के क्रिकेट जनरल मैनेजर ने कहा है कि क्रिकेट में टोनी का बहुत बड़ा योगदान है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोबारा लक्ष्य निर्धारित करने की मौजूदा प्रणाली 2 दशकों से अधिक समय पहले उनके और प्रांत द्वारा विकसित प्रणाली पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भी क्रिकेट के खेल के प्रति उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, डकवर्थ लुइस को 2015 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेले गए विश्व कप में पहली बार प्रयोग में लाया गया था। उसके बाद से उसे क्रिकेट के सभी प्रारूपों पर इस्तेमाल किया जाने लगा। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रविवार को अपने घरों में बाहर दिया जलाने की अपील से आप कितने ज्यादा सहमत हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आपकी वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।